अब तो मेरे बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे ऐसाथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामति कहे ऐसाथ जी, ए इत के कहे बयान, श्री देव चंद्र जी के स्वरूप की नेक कहो पहचान, नेक कहो पहचान, अब यहां से आए। अच्छा तीर्थ धाम धनी श्री लालदास जी के द्वारा कहलवा रहे हैं कि आपने अभी सुना भोजनगर में, कल सुना था कि किस तरह से श्री देवचंद जी को उनके स्वरूप की पहचान होती है। बालमुकुंद जी के द्वारा बालमुकुंद स्वयं हरदास जी से बताते हैं कि जिनको तुम देवचंद जी मानते हो वो देवचंद जी नहीं है, उनके अंदर तो राशेश्वरी राधा जी। अब श्री देवचंद जी को ये बात पता चलती है, उसी भावना से वो चितवनी करने लगते हैं, लेकिन आगे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे पुनः वे नौतनपुरी प्रस्थान करते हैं जब उनकी उम्र 26 साल की होती है। श्री देवचंद जी निष्ठा भाव से कथा श्रवण के लिए जाते हैं, उनकी उम्र तो है 26 वर्ष, लेकिन उस मंदिर में कथा सुनने के लिए बहुत पहले से श्रोता आते रहते हैं। राधा वल्लभ मत का वहाँ बहुत अधिक प्रचार है, गांगजी भाई प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जब तक देवचंद जी न आ जाएं तब तक कथा का प्रारंभ नहीं करते। यह बात सबको बहुत बुरी लगती है कि देवचंद जी अभी नए नए आए हैं, उनकी इतनी महत्ता क्यों बढ़ गई। स्वाभाविक है, यह सृष्टि का विधान है। प्राणी में प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत होती है, जो वयोवृद्ध हैं उनको अपना अतीत अच्छा लगता है, लेकिन वर्तमान कभी अच्छा नहीं लगता। और जो युवा होते हैं उनमें जोश तो होता है लेकिन होश नहीं होता, सब में एक सामंजस्य की कमी होती है। जब तक उचित सामंजस्य न हो तब तक किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में एक मधुर संबंध नहीं हो पाते। आप देखेंगे किसी वन के एक भाग में जहाँ सिंह रहता है किसी दूसरे को प्रवेश नहीं करने देता। हाथियों के झुंड में गजराज एक ही होता है, वो किसी नए गजराज का आगमन सहन नहीं कर पाता। और देवचंद जी तो अभी 26 साल के मात्र युवक हैं, उनकी इतनी महत्ता बढ़ जाए
ये बालक कैसे कोई सहन कर सकता था। एक दिन जितने सेठ साहूकार थे जो बहुत लंबे वर्षों से चर्चा सुनने के लिए आ रहे होते हैं, कांजी भाई से कहने कांजी भट्ट से कहते हैं कि भट्ट जी क्या कारण है कि हमारी आपने कभी प्रतीक्षा नहीं की और जब तक देवचंद जी नहीं आते हैं तब तक आप कथा का श्रवण ही नहीं कथा प्रारंभ नहीं करते। ऐसा लगता है कि देवचंद जी कुछ आपको विशेष आर्थिक धनराशि देते हैं क्या? यह बात कांजी भट्ट को बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि देखो धनवान तो तुम हो क्योंकि तुमने ये मंदिर बनाने में विशेष सहयोग दिया है, विशेष आर्थिक सेवा तुम लोग करते हो। बेचारे देवचंद जी तो गरीब हैं, वे अपनी आत्मा की जागृति के लिए कथा श्रवण करते हैं। लेकिन यह बात बताओ यदि कथा में मैं कुछ आगे पीछे बोल दूँ, कोई श्लोक छोड़ दूँ तो तुमको तो कुछ पता नहीं होता, तुम पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे फिर रहते हो भले ही तुम 20 वर्षों से कथा क्यों ना सुन रखे हो। लेकिन देवचंद जी ऐसा व्यक्तित्व है जब तक वे आते नहीं उनके बिना कथा मैं प्रारंभ नहीं कर सकता। इसका कारण यही है कि यदि एक श्लोक भी छोड़ दूं, यदि वो देर से आए और उनके आने से पहले मैंने कथा प्रारंभ कर दी, एक श्लोक भी छोड़ दूं, तो वे मेरे घर पहुंच जाते हैं और उनकी संतुष्टि के लिए मुझे पुनः भागवत पधराना पड़ता है, उस छूटे हुए श्लोक का अर्थ बताना पड़ता है। इसलिए मैं विवश हूँ, जो जितने प्रेम से कथा सुनेगा उसको मैं वैसे सुनाऊंगा। तुम तो औपचारिकता पूरी करने के लिए आते हो। श्रवण करने वाले कितने प्रकार के होते हैं या भक्ति मार्ग पर चलने वाले कितने तरह के होते हैं? एक तो होते हैं मर्यादी। मर्यादी का मतलब यदि हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि कथा सुनने नहीं आ रहे हैं। और एक होते हैं प्रवाही कि दूसरों की देखा देखी वो भी चले जाते हैं कि चलो वो चल रहे हैं तो हमें भी चले जाना है। और एक होते हैं पुष्टि, पुष्टि यानी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा से विश्वास से और अपने आत्मकल्याणार्थ जो कथा का श्रवण करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करना जिनके जीवन का उद्देश्य होता है। मंदिर किस लिए होते हैं? ज्ञान के प्रसार के लिए होते हैं। मंदिरों से ज्ञान का प्रसारण होना चाहिए। श्री देवचंद जी के प्रति उनके मन में आक्रोश है कि एक युवा की इतनी महत्ता हो गई, हम 50 साल के हो गए हमारी कोई महत्ता नहीं। श्याम जी भट्ट क्या कारण है कि इसको इतनी विशेषता देने लगे हैं? उन्होंने एक चित्र ढूंढना शुरू कर दिया कि देखें इनके अंदर कोई ना कोई अवगुण तो होगा। एक बात देखते हैं कि एकादशी की महिमा तो हर वैष्णव मानता है, एकादशी में उपवास रखा जाता है जिसको पौराणिक भाषा में व्रत रखना कहते हैं। व्रत और उपवास में अंतर होता है। वेद में व्रत की परिभाषा क्या कही गई है? व्रतेन दीक्षाम आपनोत, दीक्षा आपनोति दक्षिणा। व्रत से दीक्षा को प्राप्त हुआ जाता है, दीक्षा से दक्षिणा को, दक्षिणा से श्रद्धा को, और श्रद्धा सत्यम आप्यते, श्रद्धा से सत्य प्राप्त होता है। व्रत किसको कहते हैं? आपने यह व्रत लिया, व्रत यानी प्रतिज्ञा ली, दृढ़ संकल्प किया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी प्राणी का हृदय नहीं दुखाऊंगा, मैं कभी कटवचन नहीं बोलूंगा। यदि आपने ऐसा किया तो इसको कहते हैं व्रत रखना। और आपने भोजन छोड़ दिया, उपवास रख रहे हैं, तो इसको उपवास करना कहते हैं, इसको व्रत रखना नहीं कहते।
व्रत रखने का तात्पर्य आपने दृढ़ संकल्प करना है कि हमें कोई शुभ कार्य करना है, धर्म का आचरण करना है। आजकल लोग उपवास जो रखते हैं वो भी बहुत विचित्र है। उपवास रखने वाला सिंघाड़े के आटे की पूड़ी खा लेता है शाम को, जब उपवास तोड़ेगा तो आधा लीटर दूध ले लेगा, या सिंघाड़े के आटे का हलवा खा लेगा, आधे दर्जन केला खा लेगा, 100 ग्राम अंगूर खा लेगा, तो ये उपवास क्या हुआ? उपवास क्यों किया जाता है? शरीर की शुद्धि के लिए। जो जठराग्नि है, जठराग्नि भोजन को पचाती है, लेकिन भोजन का जो अंश हमारी आंतों में रह जाता है वो पच नहीं पाता है, वह उपवास से शुद्ध हो जाता है। इसलिए कथा के एक कहावत कही जाती है कि सावन ब्यालू जब तक पीजे, भादों में फिर नाम न लीजिए। रात्रि को सावन के महीने में कभी कभी हल्का आहार ले भी लेते हैं तो भादों में रात्रि को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पचता नहीं है। जब पचेगा नहीं फिर सवेरे भी खा लिया तो क्या होता है? योगी एक बार खाता है, सामान्य व्यक्ति दो बार खाता है, तीन बार खाने वाला रोगी होता है, क्योंकि तीन बार खाने वाला तीन बार देह क्रिया के लिए तो जाएगा नहीं। प्रातः सायं दो समय मनुष्य जाता है तो आयुर्वेद के मतानुसार दो बार भोजन होना चाहिए, लेकिन जब कई बार खाया जाता है शरीर में आंतें मल से भर जाती हैं। आयुर्वेद कहता है सर्वे दोषा मलाश्रया, सभी रोग मल के कारण होते हैं। यदि आपकी कोष्ठ शुद्धि नहीं है तो आप कितनी भी दवाइयाँ खाते रहिए, आपको रोग घेरे रहेंगे। इसलिए भारतीय मनुष्यों ने विधान बनाया है कि हम युक्त आहार विहार करें, यानी महीने में पक्ष में यानी 15 दिनों पर, या हफ्ते में एक बार निराहार रहें, हल्का आहार लें, जल पर रहें, दूध पर रहें, फलों के जूस पर रहें, सूप पर रहें, ताकि हमारी जठराग्नि प्रबल हो जाए। यदि जठराग्नि बुझ जाती है तो आपकी जीवनी शक्ति के लिए बहुत खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि पाचन क्रिया नहीं होगी, यकृत बुरा कार्य नहीं करेगा, फेफड़े में रक्त संचार कम होगा, हृदय में रक्त संचार कम होगा, तो क्या होगा? शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। उपवास इस दृष्टि से ठीक है, और इसलिए जो योगी महात्मा होते हैं वो रात्रि को आहार या तो लेते नहीं, लेते हैं तो बहुत हल्का लेते हैं ताकि उनके पाचन तंत्र पर बोझ न पड़े। पश्चिमी संस्कृति में रात्रि को ज़्यादा खाया जाता है, और वो भी 12 बजे 11 बजे खाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में सूर्यास्त के बाद हल्का आहार लेने का विधान है, बहुत हुआ तो 8 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। दोपहर को पाचन शक्ति पूरी तरह कार्य करती है, इसलिए कहा जाता है कि प्रातः का भोजन बाल भोग यानी राजकुमार जितना छोटा थोड़ा सा खाता है जलपान, दोपहर का भोजन राजा जैसा, उसको कहते हैं राजभोग, और रात्रि का भोजन रानी जैसा है, थोड़ा सा हल्का आहार ले लिया तो शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन यदि इस नियम का उल्लंघन करते हैं शरीर में तरह तरह के रोग हो जाते हैं। आप देखेंगे आजकल जितने लोग रोगी हो रहे हैं उसमें 80% कारण अशुद्ध आहार और अशुद्ध विहार का ही है। आयुर्वेद के नियमों का उल्लंघन करके सारा खान पान निर्धारित किया है पश्चिमी संस्कृत का। आजकल जितने रोग फैल रहे हैं, चाहे कैंसर का रोग हो, डायबिटीज का हो, ब्लड प्रेशर का रोग हो, हृदय रोग हो, यदि उचित आहार विहार ठीक कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ 80% लोगों को किसी भी डॉक्टर या वैद्य के पास जाना ही नहीं पड़े। लेकिन जो रोग फैल रहे हैं लोग दवाइयों से उसको ठीक करना चाह रहे हैं, जड़ पर नहीं जाते कि रोग का मूल कारण क्या है, और इस दृष्टि से उपवास का महत्व होता है। लेकिन उपवास से भी बड़ी चीज़ है व्रत। पौराणिक मान्यता में व्रत को ही उपवास कह करके भूल कर दी गई है, एकादशी को व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत नहीं है, एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए ताकि शरीर की शुद्धि हो,
और इसमें भी विकृति, जैसे जून के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी का मतलब बिल्कुल पानी नहीं पिएंगे, ये प्रकृति के विपरीत है। जैसे आप देखते हैं जून के मौसम में प्रायः ईद का, ईद से पहले रोजे रखने की परंपरा होती है। मुस्लिम लोग रात को खा लेते हैं, प्रातःकाल भोर में खा लेंगे और दिन में पानी नहीं पिएंगे, ये भी आयुर्वेद के विपरीत होता है। गीता ने कहा है कि युक्त आहार विहार होना चाहिए। यदि शरीर को पानी की आवश्यकता है, आप पानी नहीं देते हैं तो कब तक चलेगा, किडनी कब तक कार्य करेगी? एक न एक दिन विकृति आएगी, रोगग्रस्त शरीर हो जाएगा। हमें मन को पवित्र बनाना है, मन को शांत बनाना है, हृदय को पवित्र बनाना है, शरीर को स्थिर बनाइए। इतना ना खा लीजिए कि बैठा ना जाए, बिल्कुल ना खा लीजिए, इतना बिल्कुल ही खाना ऐसा ना छोड़ दीजिए कि बैठने की शक्ति नहीं रहे, दोनों ही अति है, अति से बचिए। अत्यधिक खाना, बिल्कुल ना खाना, दोनों गलत है। बहुत सोना, बिल्कुल ना सोना, ये भी गलत है। बहुत कार्य करना और बिल्कुल कुछ न करना, टहलना भी नहीं, दोनों ही ध्यान के लिए बाधक है। इसलिए न कम खाइए न अधिक खाइए, न कम सोइए न अधिक सोइए, बहुत ज़्यादा परिश्रम भी न कहिए करिए और लेटे भी न रहिए। इसको कहते हैं युक्त आहार विहार। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टा युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो युक्त आहार विहार का सेवन करते हैं, उचित निद्रा का सेवन करते हैं, उन्हीं का योग सिद्ध होता है, अन्य किसी का नहीं होता। लेकिन पौराणिक मान्यताएं ऋषियों के कथन से बहुत उल्टी कई जगह हो जाती है। पौराणिक लोग विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के नाम पर महीने में दो बार एकादशी का व्रत रखते हैं, और उनकी मान्यता है कि इससे हमें विष्णु का पद प्राप्त होगा। जो राधा वल्लभ मत के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो देखते हैं कि देवचंद जी तो उल्टी गंगा बहाते हैं, एकादशी को हम उपवास रखते हैं तो ये खूब खाते हैं, और द्वादशी को हमारा भंडारा होता है तो ये बिल्कुल नहीं खाते, ये तो सारे समाज से उल्टी चलने वाली बात है। उन्होंने सोचा कि यही अब अवसर है कि हम देवचंद जी से बदला ले लें। मनुष्य में प्रवृत्ति होती है कि यदि किसी के मन में उसके प्रति कुंठा है, घृणा की भावना है, तो समय आने पर उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है और इसमें स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। जब देखा कि देवचंद जी के अंदर ये अवगुण है, तो एक दिन सारी जो उनकी टीम थी, जो उनसे नाराज थी, सारा समूह उनके पास जाता है, कांजी भट्ट के पास, और कहता है कि भट्ट जी, आप एकादशी की महिमा तो खूब बताते हैं, आप देवचंद जी की भी महिमा बताते हैं कि देवचंद जी एक एक श्लोक पर नज़र रखते हैं, तो हमारे लिए कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करो, और देवचंद जी को आपने ये छूट क्यों दे रखी है कि एकादशी को बहुत अधिक भोजन करते हैं, भरपेट खाते हैं, और द्वादशी को एक दाना भी नहीं खाते। कांजी भट्ट कहते हैं कि देखो, देवचंद जी जो कुछ करते होंगे, ठीक करते होंगे, ऐसा मेरा हृदय कहता है, लेकिन देवचंद जी आ ही रहे होंगे, अभी आने दो, तो सबके सामने इस बात का निपटारा हो जाएगा कि क्या सचमुच देवचंद जी ऐसा करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं। इसी समय देवचंद जी आप पहुँचते हैं। देवचंद जी से पूछते हैं कांजी भट्ट, क्या देवचंद जी ये सच है कि आप एकादशी को खूब भोजन करते हैं, जबकि सभी राधा वल्लभ मत के अनुयायी एकादशी का उपवास रखते हैं, और द्वादशी को आप कुछ भी ग्रहण नहीं करते? देवचंद जी ने कहा कि हाँ भट्ट जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। इनकी यह बात सुनते ही सभी लोग बोल पड़ते हैं कि भट्ट जी, आखिर देवचंद जी ऐसा क्यों न करें? भागवत एक वृक्ष है, और भागवत रूपी वृक्ष की एक एक डाली, भागवत में 12 स्कंद है,
एक एक डाली क्या है, एक एक स्कंद। भागवत रूपी वृक्ष का एक 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 स्कंद यहाँ डाली कहा गया है। एक एक डाली में एक एक टहनी, टहनी है उसके अध्याय। एक एक डाली का पत्ता क्या है, एक एक श्लोक है। भागवत रूपी वृक्ष की एक एक डाली, एक एक स्कंद, स्कंद की टहनी, टहनी के एक एक पत्ते और पत्ते के एक एक रेशे में देवचंद जी भ्रमण करने वाले हैं। ये व्यंगपूर्वक कह रहे हैं, यानी एक एक श्लोक के एक एक शब्द के अर्थ में देवचंद जी डूबे हुए हैं, तो भला ये ऐसी उल्टी गंगा क्यों नहीं बहाएंगे। यानी भागवत जब एकादशी व्रत का महात्म वर्णित करता है तो देवचंद जी एकादशी व्रत का पालन क्यों नहीं करते, उनके कहने का यही आशय है। आप देवचंद जी सुनिए उसका क्या उत्तर देते हैं। वैसे भागवत में अम्बरीश की एक कहानी लिखी है भागवत के अंदर कि अम्बरीश विष्णु भक्त थे और उन्होंने एकादशी का व्रत किया हुआ था। व्रत करके जब भोजन किया जाता है उसको कहते हैं पारण करना। जब उनके संध्या समय भोजन करने का समय हुआ तो उसी समय दुर्वर्षा ऋषि आ जाते हैं। दुर्वर्षा ऋषि कहते हैं कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक राजा तुम भोजन नहीं करना, मैं अभी स्नान करके आ रहा हूं। जब वो स्नान करके आते हैं, स्नान करने चले जाते हैं तो पारण का समय समाप्त होने लगता है और राजा अम्बरीश समय देर होने के कारण आहार ग्रहण कर लेते हैं। जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तो उनको बहुत क्रोध आता है कि मेरी अनुपस्थिति में राजा अम्बरीश ने भोजन क्यों कर लिया, और राजा को मारने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी पैदा कर देते हैं। कृत्या राजा के ऊपर झपट्टा मारे इसके पहले ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र कृत्या राक्षसी का वध कर देता है और दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भागता चलता है। दुर्वासा ऋषि अपनी प्राण रक्षा के लिए तीनों लोकों में जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, विष्णु के पास, शिव के पास। सभी देवता मना कर देते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, तुम अम्बरीश के पास जाओ। सुदर्शन चक्र उनका पीछा कर रहा है, होता है दो कदम की दूरी से। अंत में दुर्वासा ऋषि को विवश होकर अम्बरीश के चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी पड़ती है। तब सुदर्शन चक्र वापस होता है और दुर्वासा ऋषि के प्राण बचते हैं। यह कथा कपोल काल्पनिक है और मनगढ़ंत है। राजा अम्बरीश वैदिक युग में थे और उसमें कोई एकादशी का व्रत होता ही नहीं था। उसमें विष्णु किसको कहते हैं, जिसकी सत्ता व्यापक हो, जिसकी सत्ता सर्वत्र व्यापक हो, पृथ्वी में, अंतरिक्ष में, द्विलोक में, सर्वत्र जिसकी सत्ता व्यापक हो, जो अपने स्वरूप से बेहद मंडल में व्यापक हो, उसको विष्णु कहते हैं। एक ही परमात्मा का विष्णु नाम है, उसी परमात्मा का शिव नाम है। तदेव अग्नि तद वायु तदेव अग्नि तत् आदित्य तद वायु तदेव चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तद आपस प्रजापति। वेद ने क्या कहा है, उसी परमात्मा को वायु कहते हैं, इंद्र कहते हैं, सूर्य कहते हैं, अग्नि कहते हैं। ये सभी गुणवाचक शब्द हैं वेद की भाषा में। इनका इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे अग्नि का अर्थ क्या होता है, ज्ञान का प्रकाशक। जो ज्ञान का प्रकाशक हो, ज्ञान स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो, उसको अग्नि कहते हैं। इसे ऋग्वेद के पहले मंडल मंत्र में क्या कहा गया है, अग्नि मिडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। अग्नि का मतलब यहाँ चूल्हे में जलने वाली अग्नि नहीं, विष्णु का अर्थ जिसकी चार भुजाएं बनाई गई हैं, उसको वेद में कहीं स्तुति योग्य नहीं माना गया है। जो शिवजी कैलाश में रहते हैं, त्रिशूल लिए रहते हैं, पार्वती के पति हैं, उनको वेद ने परमात्मा नहीं माना। लेकिन जो कल्याणकारी परमात्मा है उसको शिव शब्द से कहा गया है। जिन्होंने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया उन्होंने इन शब्दों को मान लिया कि शिव परमात्मा है, विष्णु भगवान परमात्मा है। अभी आप देख रहे हैं ना, शिव के भक्तों का एक समूह जा रहा है, बेचारा गंगा जी से पानी लाएगा, शिवलिंग पर गिरा देगा, सोचेगा कि हमने भक्ति कर ली। ये भक्ति नहीं है। पूछा जाए गीता के किस श्लोक में लिखा है कि ऐसा करो, वेद में कहाँ लिखा है, दर्शन शास्त्र में कहाँ लिखा है। सारा समाज भटक गया,
तुलसीदास जी की उस रामायण से जिसमें उन्होंने कहा है कि जो गंगोत्री का जल लगाकर लाकर रामेश्वरम पर चढ़ाएंगे उनके करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाएंगे। रामायण के कथावाचकों ने इसको महत्ता दे दी। ये वेद का कथन नहीं है, ये रामचरितमानस का कथन है, तुलसीदास जी की व्यक्तिगत विचारधारा है। पहली बात तो यह है शिवलिंग पूजन वेद विरुद्ध है, वेद में कहीं शिवलिंग पूजन का विधान नहीं है। सीरियल में भी दिखा दिया गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शिवलिंग की स्थापना की। सच बात यह है राम ने रामेश्वरम के रूप में कोई शिवलिंग स्थापित नहीं किया था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है अत्र पूर्वा महादेवा प्रसादम करो विभु सेतुबंध इति व्याख्यात। विमान से लौटते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो मैं इस स्थान पर रहकर जो देवताओं का भी देवता सबका स्वामी एक परमात्मा महादेव है हम उसकी आराधना करते थे। यहाँ महादेव का मतलब कैलाशवासी शिव नहीं जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं, उसको परमात्मा कैसे कह सकते हैं जिसका विवाह होता हो जिसके ससुर भी हों जिसके दो पुत्र भी हों। आप पौराणिक कथाओं को लेकर चलिए तो शंकर जी के ससुर हैं दक्ष प्रजापत, उनकी पहली पत्नी है सती, दूसरी पत्नी है उमा और उमा के पति हैं राजा हिमांचल। जिस परमात्मा का ससुर होता हो बच्चे होते हों उसको परमात्मा कैसे कह सकते हैं जब वही स्वयं ध्यान में बैठा रहता है। लेकिन हिंदू समाज को कौन समझाए, एक कहानी बना दी गई कि विष्णु भगवान कैलाश में रहते हैं, विष्णु भगवान बैकुंठ में रहते हैं, शंकर जी कैलाश में रहते हैं। वास्तविकता क्या है, जब सृष्टि प्रारंभ हुई हिमालय में प्रारंभ हुई अग्निवाय आदित्य अंगिरा चार ऋषियों के अंदर वेद ज्ञान का प्रकटन हुआ और इसी के साथ संकल्पिक सृष्टि के रूप में भी अन्य लोग उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी भी हुए विष्णु भगवान भी हुए शंकर जी हुए। शंकर जी कैलाश में जाकर योग साधना करने लगे, विष्णु भगवान बद्रिकाश्रम में जाकर के तप करने लगे। मानसरोवर की झील, विष्णु भगवान को कहा जाता है कि वह क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीर का अर्थ क्या होता है दूध। मानसरोवर में हमेशा बर्फ जमी रहती है और गर्मी के मौसम में जब बर्फ पिघलती है तो उसका जल दूध के समान स्वच्छ होता है। शेष की सैया कोई ऐसा नहीं कि सर्प की कोई सैया बना करके लेटे रहते हैं, उन्होंने ऐसा अपना आसन बनाया कि उसमें लेटे लेटे वो ध्यान करते थे। लेटने का मतलब सोई नहीं रहते, उसमें ध्यान अवस्थित हो जाते हैं। आज भी आप मानसरोवर झील में चले जाइए चारों तरफ बर्फ के पहाड़ दिखेंगे, आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो इच्छा ही नहीं करेगी कि लौट कर आए, आपका मन शांत हो जाएगा वहाँ के वातावरण में। ऐसे ऐसे स्थान को चुना, भगवान शिव ने चुना, विष्णु भगवान ने चुना और ब्रह्मा जी चारों वेदों के विद्वान थे, उन्होंने पुष्कर क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बनाया जहाँ से ज्ञान का प्रकाश हो सके। ये तीनों देवता सृष्टि के प्रारंभ से में ज्ञान में शक्ति में अग्रगण्य रहे हैं, इसलिए इनको समाज का पथ प्रदर्शक माना गया। ऐसा नहीं कि परमात्मा है, इनके नाम पर पुराणों में तरह तरह की कहानियाँ बना ली गई, विष्णु भगवान के नाम पर कहानी बना ली गई और वृंदा की कहानी गढ़ करके कह दिया कि विष्णु भगवान पत्थर हो गए। मैं बचपन में था जब इस कहानी को सुनता था तो मेरे मन में प्रश्न आता था कि जब भगवान ही पत्थर हो गए तो संसार को कौन चला रहा है। लेकिन आज भी हिंदू समाज शालिग्राम के रूप में परमात्मा को भोग लगाएगा, शालिग्राम और तुलसी के पौधे का तो विवाह करा देगा, पत्थर और एक पौधे का विवाह, लेकिन किसी गरीब दलित का विवाह कराना नहीं चाहेगा कि उसको अछूत समझे। कितनी बड़ी भ्रांति है, हिंदू समाज कैसे आगे बढ़ेगा। आप देखिए तिरुपति मंदिर में कह दिया जाता है कि भगवान का विवाह हुआ था इसलिए दहेज में जो यहाँ धन चढ़ाएगा उसके ऊपर बहुत कृपा होगी, और सारा हिंदू समाज पढ़े लिखे लोग चाहे अभिनेता हो चाहे मंत्री हो करोड़ करोड़ रुपया दे आते हैं। पहले तो पूछा जाए सृष्टि के कर्ता धर्ता परमात्मा को दहेज के लिए धन की क्या आवश्यकता है,
और मनुष्य के दिए हुए धन से भगवान खुश होता है, यह तो बहुत बड़ी नादानी है। इसका मतलब भगवान को भी खुश चाहिए। परमात्मा आपसे क्या मांगेगा, आपके पास क्या है आप अपना जो आप दे सकते हो? सारी सृष्टि उसी का, सारा धन उसका। मनुष्य के पास तो केवल श्रद्धा हो सकती है, समर्पण हो सकता है। श्रद्धा समर्पण यही तो परमात्मा को हम दे सकते हैं। श्रद्धा प्रकट करेंगे, समर्पण प्रकट करेंगे, प्रेम प्रकट करेंगे तो इस भवसागर से हमारा छुटकारा हो सकता है। लेकिन किस्सा कहानियाँ बनाती गई हैं कि अमुक तीर्थस्थान पर जाकर के ये चढ़ाओगे तो ये पुण्य मिलेगा। आज हिंदू समाज भटक रहा है, बाहर मंदिरों में खोजता फिर रहा है। आप देख रहे हैं शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने वालों ने पूरा मार्ग रोक रखा है। जनता को परेशानी हो इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो कांवड़ में बेचारे जल ला रहे हैं और ला करके चढ़ा देते हैं, सोचेंगे कि हमारे अब पूरे साल कुछ नहीं करना है। एक मुस्लिम भाई एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा, 5 बार परमात्मा का तो नाम लेगा। और जो शंकर के भक्त हैं साल में 1 बार गंगा जल लाए और चढ़ा दिए, सोचेंगे कि अब साल भर की भक्ति हो गई। इस तरह की भक्ति से क्या फायदा? पानी गिराने से पत्थर पर कहीं भक्ति होती है ये कहीं नहीं लिखा। भक्ति कब होगी? सातु प्रेम स्वरूपा भक्ति, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि भक्ति क्या है, वो प्रेम का स्वरूप है, समर्पण का स्वरूप है। श्रद्धा समर्पण प्रेम यही तो भक्ति के रूप होते हैं। लेकिन आज उसकी जगह ले लिया है। मैंने देखा है महिलाएं तक जल लाती हैं, छोटे छोटे बच्चे जल लाने के लिए जाते हैं, क्योंकि हिंदू समाज को भक्ति के नाम पर भटका दिया गया है। हिंदू समाज धर्म ग्रंथों का ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहा है। उसको यही सिखा दिया गया है कि अमुक मंदिर में ये चढ़ा दो तुम्हारा ये भला हो जाएगा, अमुक तीर्थ में जाकर के ये चढ़ा दो तुम्हारा ये भला हो जाएगा। और फल की कामना से बेचारा वो भागा फिरता है, क्योंकि उसको आर्ष ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। पुराणों में से उसने जो सुना, रामायण से जो सुना, भागवत से जो उल्टी सीधी बातें सुन लिया, उसी का वो अनुकरण करता आ रहा है। इसका परिणाम यह होता रहा है 1000 वर्षों की गुलामी झेलने के बाद भी उसका विवेक जागृत नहीं हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब देवचंद जी कहते हैं कि हाँ यह बात सही है भट्ट जी कि मैं एकादशी को बहुत अधिक भोजन करता हूँ भरपेट और द्वादशी को नहीं करता। इसलिए क्योंकि एकादशी को आप कथा बहुत अधिक करते हैं, क्योंकि सबको उपवास रखना होता है, भोजन बनाने का झंझट नहीं होता, तो आप दूनी कथा करते हैं। तो मैं शरीर को भोजन भी खूब देता हूँ, क्योंकि जो शरीर साधन है धर्म का उस शरीर को हम यथावत सुरक्षित रखें। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन है, इसलिए मैं उस दिन उसको भोजन देता हूँ। जब आत्मा को आहार मिल गया तो शरीर को भी आहार देता हूँ। द्वादशी को आप लोग भंडारा सब करते हैं लेकिन उस दिन भागवत की कथा नहीं होती, तो जब आत्मा को आहार नहीं मिला तो मैं शरीर को आहार क्यों दूँ? इसलिए मैं द्वादशी को उपवास रखता हूँ, यही इसका कारण है। और सबसे बड़ी बात यह है, महेश्वर तंत्र में, महेश्वर तंत्र जो निकला है नारद पंचरात्र ग्रंथ से निकला है, नारद पंचरात्र ग्रंथ में एकादशी कहती है कि जितने भी व्रत हैं, जितने भी उपवास हैं, तप हैं, परब्रह्म के प्रसाद के एक कण के सामने कहीं नहीं ठहरते। यानी जो सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति करता है उसके लिए एकादशी जैसे व्रतों का कोई भी महत्व नहीं है। आगे वितक में यह तथ्य दर्शाया गया है कि पारब्रह्म लीला रस का एक जो ग्रंथ भागवत, ताको सुन के तुम स्वर्ग का साधन करत। ब्रजलीला रासलीला का वर्णन भागवत में है और आप सबको विदित है कि यह लीला स्वयं अक्षरातीत ने श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान होकर लीला की है। परब्रह्म ने जो प्रेम की लीला की ब्रजरास के रूप में, उसका तो आप श्रवण करते हैं फिर एकादशी का व्रत रखते हैं, तो बताइए एकादशी व्रत से आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग?
बहुत अधिक तपस्या करेंगे तो कहाँ जाएंगे? बैकुंठ। और जब 14 लोगों का लय हो जाएगा तो न स्वर्ग रहेगा, न बैकुंठ रहेगा, न अष्टावरण रहेगा, कुछ रहेगा नहीं। तो ऐसे एकादशी के व्रत करने से क्या लाभ है? जब सबने यह बात सुनी तो सबने कहा कि धन धन है देवचंद जी, आपकी जैसी सोच है वैसी सोच हमारी नहीं हो सकती। यह घटना अभी तक का यह घटनाक्रम हमें यह शिक्षा देता है कि जैसे देवचंद जी ने हमेशा विवेक पूर्वक निर्णय लिया कि यदि हमारी आत्मा को आहार नहीं मिलता है तो हमें शरीर को भी आहार नहीं देना चाहिए। आप भी दृढ़ संकल्प कीजिए कि जिस दिन हमें चितवनी करने को नहीं मिले हम कुछ न कुछ प्रायश्चित तो करें। दंड देने का मतलब क्या होता है? हम प्रायश्चित करें कि आज हमने भूल क्या की। नीति का कथन है, एकाकी चिंत्यमानः परम श्रेयम अधिगच्छत्। अकेले सोचने वाला श्रेष्ठ कल्याण को प्राप्त होता है। आप एकांत में जाइए शाम के समय, रात्रि को अकेले में पूछिए आज मैंने कौन सा गलत कार्य किया, और जो मैंने गलत कार्य किया वो मुझे भविष्य में नहीं करना है। आप दूसरों से मत पूछिए, क्योंकि शिष्टाचार के नाते या रिश्ते बिगड़ने के डर से कोई बिरला ही होगा जो आपके मुंह पर कहेगा कि हाँ आपने गलत कार्य किया है। आप गलत भी करेंगे तो लोग हाँ में हाँ मिला देंगे कि कोई चिंता की बात नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने अच्छा ही किया है। हर व्यक्ति को पता होता है कि मैंने ये गलत किया या सही किया। अपनी अंतरात्मा से पूछिए। यदि आपका हृदय निष्पक्ष है, अपने हृदय से पूछेंगे तो आवाज़ आएगी कि हाँ सचमुच आपने गलत कार्य किया। यदि आपने अपने हृदय पटल पर सत्यता का सिंहासन बना रखा है, कोई भी गलत कार्य करेंगे तो अंदर से धिक्कार आएगी कि नहीं ये गलत कार्य है, मुझे कभी नहीं करना है। हाँ जब हम उसको सुनकर भी अनसुना कर देते हैं तो वो आवाज़ दब जाती है, और एक बार जब पाप के कीचड़ में आदमी फंस जाता है तो उसको लज्जा नहीं लगती है। पहले चोरी करने वाला व्यक्ति जाएगा तो उसका हाथ कांपेगा, लेकिन यदि उसकी आदत पड़ गई तो बेशर्म हो जाएगा, वो बार बार करेगा। शराब पीते समय पहली बार हो सकता है आदमी का हाथ कांपने लगे कि लोग क्या कहेंगे, अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं ये पाप कर्म है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन जब आदत पड़ जाती है तो वही व्यक्ति लज्जा से रहित हो जाता है। लज्जा क्यों लगती है? अंतरात्मा से आवाज़ आती है अच्छे संस्कारों के कारण कि नहीं ये बुरा कर्म है, मुझे कभी नहीं करना चाहिए। हम सुंदर साथ को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, स्वतः आत्मनिरीक्षण। वाणी में एक चौपाई आती है, एता मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल, बेशक इल्मे न समझे तो सहूर करो समिल। परमधाम के सुंदर साथ को मैंने राज से लेकर श्रृंगार तक का एता मता सारा ज्ञान दिया है। राज से मैंने प्रेम सिखाया, प्रकाश से पहचान सिखाया, सटृति से विरह सिखाया, कलश से अटूट विश्वास सिखाया, सनंद से अटूट आस्था दिलाई, किरंतन में मैंने सभी ग्रंथों का सार तत्व दे दिया, खुलासा में वेद कतेब का एकीकरण करके बता दिया कि तुम मत पंथों के विवादों में न पड़ो, खिलवत में परमधाम की सुगंध थी, परिक्रमा में 25 पक्षों में घुमा दिया, सागर में युगल स्वरूप की शोभा दर्शा दिया, तो श्रृंगार में मार्फत का दरवाजा खोल दिया, अध्यात्म के चरम लक्ष्य तक मैंने पहुँचाने का मार्ग दे दिया। एता मता जिन दिया तिन दिखावत आपके तीवे। राजीव पल भर में अपना स्वरूप दिखा सकते हैं। महामति जी कहते हैं, एता मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल, तुम्हारे दिल को अच्छी तरह से मालूम है कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, बेसिक इल्म न समझे। सबको संशय रहित करने वाले इस ज्ञान से भी यदि तुम्हें समझ में नहीं आती है तो सहूर करो समिल, तो हर सुंदर साथ अकेले में बैठकर एकांत में चिंतन करें। सहूर करो समिल यानी एकांत में सोचिए कि क्या कारण है कि इतना ज्ञान देने पर भी हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हमने खिलवत से क्या लिया, परिक्रमा से क्या लिया, सागर श्रृंगार से क्या लिया, ये हमारा दिल बताएगा।
किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं सहूर करो समिल। सहूर करो यानी आत्मचिंतन करना। देवचंद जी केवल आत्मचिंतन करते हैं कि आज मुझे कथा सुनने को नहीं मिली, हमें भोजन नहीं करना है। यदि सब सुंदर साध्वी अपने को कुछ दंडित करें, आज चितवनी छूट गई तो कुछ तो दंड दें अपने को, आज जलपान करें आधा करें या जलपान छोड़ दें, दोपहर का भोजन करें आधा करें। क्योंकि जब तक हम अपने शरीर को मन को दंडित नहीं करेंगे, ये तृष्णा की आग तो कभी भी शांत होने वाली नहीं है। हम सारी जिंदगी खाते रहेंगे, हमारे पेट कभी नहीं भरना है। हम तृष्णाओं का सेवन कितना भी करते रहें, तृष्णाओं से कभी शांति होने वाली नहीं है। इसलिए परमात्मा के ध्यान में कभी नागा हो जाए, कभी स्वाध्याय में नागा हो जाए, तो हमें प्रायश्चित स्वरूप अपने को दंडित करना चाहिए। या यदि यह प्रवृत्ति बनी रहेगी, यदि हमने किसी को कट वचन बोल दिया तो हम सोचें कि दूसरा तो कोई नहीं कहेगा कि आपने कट वचन बोला है। हमें खुद प्रायश्चित करना चाहिए कि अब हमें भविष्य में ऐसे कट वचन नहीं बोलने हैं। हमने यदि किसी का अनैतिक तरीके से धन ले लिया तो हमें प्रायश्चित करने का रास्ता निकालना होगा कि इस धन को हम वापस कैसे करें। हर व्यक्ति यदि स्वतः ही प्रायश्चित करने की प्रवृत्ति ले ले, प्रायश्चित का मतलब वो नहीं, पौराणिक मान्यता में कह दिया गया है कि जितना पाप करना हो कर लो, तीर्थों में घूम करके दान पुण्य कर आओगे तो प्रायश्चित हो जाएगा, ऐसा मत समझिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जो शुभ कर्म किया है उसका फल अलग मिलेगा, जो अशुभ कर्म किया है उसका दंड अवश्य अलग मिलेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो हरिश्चंद्र को चंडाल के हाथ बिकना नहीं पड़ता, पांचों पांडवों को वनों में भटकना नहीं पड़ता। ये तो धर्मात्मा थे, इनको ऐसा कष्ट क्यों देखने पड़े? इनके अशुभ कर्मों के कारण ही कष्ट मिल रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति को कैंसर हो जाए ये कभी संभव नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अशुभ कर्म उनका पीछा कर रहा था जिसके बदले उनको कैंसर हो गया। इसलिए यदि आप प्रायश्चित करते हैं तो भविष्य में अशुभ कर्म करना बंद कर देंगे और अशुभ कर्म के बदले जो कष्ट मिलना था उससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए इस कथन को याद रखिए, एकाकी चिंत्यमाना परम श्रेयम अधिगच्छत। अकेले चिंतन करने वाला श्रेष्ठ कल्याण को प्राप्त होता है। देवचंद जी ने इस वितक के प्रसंग के द्वारा हमें विशेष रूप से शिक्षा दी है कि सब सुंदर साथ को आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करता है कि आज मैंने मन वाणी कर्म से कोई पाप तो नहीं किया, वो एक दिन ऊंचाई पर पहुंचता है। और जो व्यक्ति अपने अपराधों को छिपाता है, पाप करके भी उसको कहेगा कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, समझ लीजिए कि वो अपने पापों को और बढ़ाता है। अब घड़ी आती है श्री देवचंद जी को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। दो बार उनको दर्शन मिल चुके हैं, पहली बार बारात के पीछे जाते समय, दूसरी बार चितवनी के माध्यम से। सुंदर साथ में एक भ्रांति है कि 40 साल से पहले दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, 40 वर्ष की अवस्था में परिपक्वता आ जाती है मनुष्य के अंदर, इसलिए समाज के नेतृत्व का या बड़े कार्य का उत्तरदायित्व 40 वर्ष की अवस्था में दिया जाता है। लेकिन शंकराचार्य तो 16 वर्ष की अवस्था में ही वह कार्य करने लगे जो 50 वर्ष की अवस्था में कोई कर नहीं पाता। 16 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेते हैं और 16 वर्ष तक यानी 32 वर्ष की अवस्था तक इतना कार्य कर गए कि मनुष्य अपने जीवन में नहीं कर पाता। इसी तरह से संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी टीका लिखी थी जब उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। आप सोचिए 19 वर्ष की अवस्था में संत ज्ञानेश्वर ने जीवित समाधि ले ली। इसलिए 40 वर्ष की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि जब हमारी उम्र 40 वर्ष की होगी तो राज्य दर्शन देंगे। बच्चा हो बूढ़ा हो, जब भी हमें विवेक हो जाए हमें राज्य की चितवनी करनी चाहिए। राज्य किसी भी क्षण हमें दर्शन दे सकते हैं, जैसे श्री देवचंद जी को बारात के पीछे जब चलना पड़ा, बारात के पीछे भागते भागते, उसमें 16 वर्ष की अवस्था थी। और चितवनी में जब दर्शन हुआ तो उनकी उम्र लगभग 25 वर्ष की थी। अब 40 वर्ष होने को हो गई,
राज जी तीसरी बार दर्शन देंगे परम धाम के श्रृंगार में। और इसके साथ क्या घटित होता है आगे का वर्णन सुनिए। अब देवचंद जी नौतनपुरी जो हलार प्रांत के अंतर्गत पड़ता है, जिसे उस समय भूभाग को ही देश कहा जाता था, जैसे आपने बीतक में सुना कच्छ देश, हलार देश, मारवाड़ देश, गुर्जर देश, किसी भी भाग को देश कहा जाता है, लेकिन देश तो आर्यावर्त है। लेकिन आज से 200 साल पहले किसी भी प्रांत को, स्थान को कह दिया जाता है कि यह देश है। उसी तरह से नौतनपुरी में देवचंद जी भागवत सुनते हैं, सुनते सुनते 40 वर्ष हो गए होते हैं। अब उनकी परीक्षा की घड़ी है। प्रश्न यह है, क्या राज्य परीक्षा लेते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। राज्य कोई परीक्षा नहीं लेते। परीक्षा तो वह लेता है जिसको मालूम ना हो कि इसके मन में क्या है। कसौटी पर कसा जाता है, परखा जाता है। परखने का मतलब आपको योग्य बनाए बिना यदि कोई वस्तु दी जाती है तो आप उसका महत्व नहीं समझेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि समाज में विकृति फैल जाएगी। जैसे देवचंद जी को बिना तपाए, देवचंद जी को कसौटी पर खरा सिद्ध किए यदि राजी दर्शन दे देते तो आप सुंदर साथ कहते कि देवचंद जी को तो बिना किसी परिश्रम के राजी ने दर्शन दे दिया, हमें क्यों नहीं देते। इसका तात्पर्य यह है कि राजी पक्षपाती है। इसलिए चाहे देवचंद जी हो, चाहे श्री मिहराज हो, चाहे गोपाल मणि जी महाराज हो, चाहे परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी हो, जिन जिन से राज्य ने लीला की है उन तनों को तपाया है, सारे संसार से किनारा किया है। जब उनका हृदय संसार से अलग हुआ, टूटा, न मैं रहा न मेरा रहा, जब केवल तू और तेरा रह जाता है, सर्वस्व समर्पण उनके प्रति हो जाता है, तब प्रीतम का दीदार होता है। आगे आप सुनेंगे कि हफ्से में इंद्रावती जी की आत्मा विरह में विलखती है। किन स्थितियों में राज्य दर्शन देते हैं? देवचंद जी 16 वर्ष की अवस्था से निकले हैं, 24 वर्ष हो गए खोजते खोजते, कठोर साधना करते करते। हम सुंदर साथ तो एक हफ्ते में चाहते हैं कि राज्य तुरंत आ जाए। राज्य दूर नहीं है, लेकिन न्याय का सिंहासन तो सबके लिए बराबर होता है। आप श्री देवचंद जी जैसी तड़प लाइए, श्रद्धा लाइए, आपको भी एक मिनट में दर्शन दे देंगे। इसलिए देवचंद जी से कठोर साधना करवाई, श्री महाराज को विरह की अग्नि में डाला, तब उनको दीदार दिया। जिसने जितनी कसौटी की उनको उतनी बड़ी शोभा मिली। यदि प्रधानमंत्री अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति को अपनी सत्ता का उपयोग करते हुए कोई बड़ा पद देता है तो उस समय तो कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन प्रश्न खड़ा होगा कि प्रधानमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। इसी तरह से जिस अक्षरातीत ने सृष्टि का सारा विधान बनाया है वो बिना कसौटी पर खरा सिद्ध किए कैसे किसी को दर्शन दे सकते हैं? जिस श्री देवचंद जी के तन में लीला करनी है उस श्री देवचंद जी को हर पल परखा जा रहा है। परखा जा रहा है यानी उनको तपाया जा रहा है, उनके जीव को। अब कथा सुनने जाते हैं निष्ठाबद्ध, कथा सुन करके आते हैं, उसके पश्चात भोग लगाते बनाते हैं, ध्यान करते हैं और तब भोजन करते हैं। उनकी दिनचर्या रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए एक दिन का भी नागा नहीं करते। 14 वर्ष निष्ठावत्त अचानक उनको बुखार होने लगता है। आजकल तो तुरंत बुखार हुआ और एलोपैथ की गोली घटक लेते हैं। आजकल हर व्यक्ति डॉक्टर हो गया है, जिसको देखो मेडिकल स्टोर जाएगा, पैरासीटामोल की गोली खरीद लेगा, डॉक्टर से पूछेगा भी नहीं कि इसको खाऊंगा कि नहीं खाऊं कि ना खाऊं। उसने सुन लिया है कि पैरासीटामोल खाने से बुखार दूर हो जाएगा, हर कोई घटक लेता है, चाहे उसका लीवर खराब हो, किडनी खराब हो, कोई लेना देना नहीं।
वो जमाना था जब लोग ऐसे उपवास कर लेते थे। पशुओं को जब कोई रोग होता है तो आप देखेंगे पशु खाना पीना बंद कर देता है और उपवास से जो जठराग्नि भोजन पचाती है शरीर के दोषों को पचा जाती है। इसलिए बुखार लगने पर लंघन यानी उपवास किया जाता है। श्री देवचंद जी, बुखार हुआ, एक दिन भोजन नहीं किया, दो दिन भोजन नहीं किया, 12-13 दिन हो जाते हैं। 12-13 दिन जो भोजन न करेगा शरीर में शक्ति कहाँ से रहेगी। लेकिन देवचंद जी बुखार की अवस्था में भी कथा सुनने जाना बंद नहीं करते। उनकी निष्ठा है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो भागवत की कथा का श्रवण करने जाना ही है। अंत में उनके पिता मत्तु मेहता वैद्य बुला करके लाते हैं। वैद्य देखता है, नाड़ी देखता है और कहता है कि ये दवा की पुड़िया है, इसका काढ़ा बना लेना। लेकिन इसका नियम है यह कि दवा को लेने के पश्चात खुली हवा में नहीं घूमना है, नहीं तो खुली हवा में ठंडक लग जाएगी, इनको सन्निपात ज्वर हो जाएगा। सन्निपात ज्वर किसको कहते हैं? जिसमें सिर में बुखार प्रबल हो जाता है और वो व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है, यानी उसका मस्तिष्क पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। ये बहुत कष्टसाध्य बुखार होता है, इसको नियंत्रण में लाना कठिन होता है। जैसे ही ये बात कही माता कुंवर बाई ने कहा कि वैद्य जी ये मानने वाले कहाँ हैं, आप इधर जाएंगे और ये तो जरूर जाएंगे भट्ट जी की कथा सुनने। यह बात जब वैद्य ने सुनी तो अपनी दवा वापस ले ली कि नहीं, यदि आप मेरे बताए हुए नियम का पालन नहीं करेंगे तो मैं दवा नहीं दूंगा, क्योंकि बुखार बिगड़ेगा तो बदनामी मेरी होगी कि इस वैद्य की दवा से ठीक नहीं हुआ था, दोष मेरे ऊपर आ जाएगा और मेरा व्यवसाय इससे प्रभावित होगा। मैं दवा नहीं दूंगा यदि मेरे कथनों का पालन नहीं किया जाएगा तो। मत्तु मेहता ने कहा कि वैद्य जी आप चिंता न कीजिए, मैं देखता हूँ ये जाते कैसे हैं, 14 वर्ष हो गए भागवत सुनते सुनते, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या अंतर पड़ता है। मैं आपसे वचन, आपको वचन देता हूँ कि इनको जाने से रुकूंगा। वैद्य ने काढ़ा पिला दिया। लेकिन जब समय होता है जाने का, देवचंद जी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने अपने सिर को कपड़े से बांधा, लाठी लेकर के चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं थी चलने की। जब जाने का प्रयास करने लगे तो मत्तु मेहता को बहुत बुरा लगा पिताजी को, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि बेटा भले ही 40 साल का हो जाए, माता पिता सोचते हैं कि ये तो हमारा 5 साल वाला ही तो बेटा है, वो उसी तरह से व्यवहार करते हैं। अब देवचंद जी को यह असह्य है कि जिस प्रीतम को पाने के लिए मैंने सब कुछ साधना का कष्ट झेला है, आज इस बुखार के कारण मुझे जाने से रोका जा रहा है। वे पिता से बहुत कहते हैं कि देखिए धर्म है तो देह है, पिता का कहना है कि नहीं देह है तो धर्म है। देवचंद जी का कथन है कि धर्म के पालन में हमें शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए, पिता का कहना है कि शरीर जिंदा रहेगा तभी तो तुम धर्म का पालन करोगे, एक दिन कथा सुनने नहीं जाओगे तो क्या अंतर पड़ता है। देवचंद जी कहते हैं कि नहीं ये मेरी निष्ठा पर प्रश्न खड़ा होता है, मैं तो अवश्य जाऊंगा, और परिणाम यही होता है। देवचंद जी के जाने को रोकने के लिए उनके पिताजी किवाड़ बंद कर देते हैं, और जब देवचंद जी देखते हैं कि किवाड़ बंद हो गया तो उनको चक्कर आ जाता है और कहते हैं कि रे मूर्खों, यदि तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मेरी आत्मा अवश्य जाएगी, यह करके वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। माँ को भला ये कैसे सहन हो सकता है कि मेरा जवान बेटा बेहोश होकर गिरे। वे जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाते हुए अपने पति को फटकारने लगती हैं कि तुम इतनी जीत पर क्यों अड़ जाते हो, जब देवचंद जी जाना चाहते हैं तो जाने दो। पत्नी के कठोर शब्दों को सुनकर
मत्तु मेहता भी पिघल जाते हैं, देवचंद जी की हालत देखी नहीं जाती क्योंकि वो तो बेहोश हो चुके हैं, शरीर में कोई शक्ति नहीं। इतना पिता कितना भी कठोर होता है लेकिन अंदर से कोमल होता है। अब वो देवचंद जी के कान में कहने लगते हैं कि देवचंद जी उठो, देखो कांजी भट्ट ने बुलावा भेजा है, जल्दी से उठो, तुम्हें जाना है। लेकिन देवचंद जी को तो बेहोशी आ गई थी, लगभग 22 एकाध घड़ी यानी लगभग आधे घंटे के पश्चात उनको होश आता है। माता कुंवर बाई कहती है कि बेटे देवचंद, तुम्हें अब कोई भी रोकेगा नहीं, तुम जाओ कथा सुनने के लिए, कहो तुम्हें हम पहुँचा देते हैं। मत्तु मेहता भी कहने लगे कि बेटे मैं कभी भी तुम्हारी राह में बाधक नहीं बनूंगा, तुम चल खुशी खुशी जाओ। देवचंद जी किसी से कुछ नहीं बोलते, चुपचाप अपने कानों को सिर को पगड़ी से बांध लेते हैं, लाठी लेकर धीरे धीरे वहाँ से चल पड़ते हैं, आ करके कथा श्रवण करते हैं। और यही है परीक्षा की घड़ी। उस परीक्षा में वे उत्तीर्ण हो गए। यह घटना हमें क्या सिखाती है? बुखार है तो भी कथा सुनने के लिए जाना है। हम सुंदर साथ यदि कोई अतिथि आ गया, सहेलियाँ आ गई, मित्र आ गए, रिश्तेदार आ गए, तो सोचते हैं कि चलो आज राजी का ध्यान नहीं करेंगे, आज वाणी नहीं पढ़ेंगे, क्या नुकसान हो जाता है। कहते हैं कि राजी हमारी आत्मा को जागृत नहीं करते, राजी दर्शन नहीं देते। राजी से ज़्यादा प्रेम तो आपको अपने सही अपने संगे संबंधियों से है, जिनको खुश करना आप चाहते हैं। आप उनके साथ बैठिए, सब कुछ खिलाइए पिलाइए, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं होता है कि 24 घंटे में आप आधे घंटे भी राज्य को न दे सके। कितना भी कोई व्यक्ति व्यस्त होगा, 24 घंटे में 3 घंटे तो सोता ही होगा, 4 घंटे सोता होगा, कितने भी रिश्तेदार आ जाए। शादी विवाह का भी व्यस्त कार्यक्रम होगा, 2 घंटे भी तो सोएगा, 2 घंटे की निद्रा में से 5 मिनट निकालकर राज्य को तो याद कर ही लिया जाता है। लेकिन दुनिया ऐसा नहीं करती है। यदि ऋषि मुनियों ने शादी विवाह में परमात्मा के पूजन का विधान नहीं बनाया होता तो मैं समझता हूँ ये दुनिया शादी विवाह के दिन तो परमात्मा को ही भूल जाती। लड़का भी जानता है कि मैं एक दिन बूढ़ा होऊंगा, लड़की भी जानती है कि मैं एक दिन बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन इस शरीर को सजाकर इसका जब विवाह कराया जाता है तो देखिए लोग कितने पागल होते हैं। 70 साल के बूढ़े भी नाचते हैं, 70 साल की बुढ़िया भी नाचती है, क्या हो गया है दुनिया? लोग मृत्यु को भूल जाते हैं, हमें किस तन के लिए किस लक्ष्य के लिए जीवन मिला है ये सब भूल जाते हैं। देवचंद जी वह व्यक्तित्व हैं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, बुखार है तो भी एक दिन का भी नागक नहीं होने देते, हर अवस्था में अपने आराध्य को पाने के लिए हर कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध करते हैं। आप सोचिए 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से ज़्यादा परमधाम की चितवनी की प्रक्रिया श्री जी के द्वारा प्रारंभ किए हुए और इस साल मिराज का तन प्रकट हुए इस संसार में 400 वर्ष होने वाले हैं। आप सोचिए 325 वर्ष से चितवनी की प्रक्रिया ढपी पड़ी है, हल्की हल्की चल रही है। आज हमारे सुंदर साथ में जिनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास होगी, हर सुंदर साथ यदि जागरूक होता, हर सुंदर साथ नियमित रूप से वाणी का चिंतन करता, हर सुंदर साथ प्रतिदिन चितवनी करता, 2 घंटा नहीं कर सकता, 1 घंटा नहीं कर सकता, आधे घंटे भी तो करता, आधे घंटा चितवनी, आधे घंटे वाणी का चिंतन भी यदि औसतन हर व्यक्ति के नाम से होता तो आज हमारा समाज बहुत उन्नत होता। सारी दुनिया यदि प्रतिदिन स्वाध्याय करे, जब गुरुकुलों में दीक्षांत समारोह होता था तो गुरुकुलों के आचार्य जो ब्रह्मचारी अध्ययन समाप्त करके घर जाने वाले थे सबको उपदेश क्या देते थे? सत्यम बद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमितव्यम,
स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करें। स्वाध्याय किसको कहते हैं? मोक्ष का ज्ञान देने वाले ग्रंथों का अध्ययन हमारी ब्रह्मवाणी है। ब्रह्मवाणी का चिंतन हमारे लिए स्वाध्याय है। वाणी का चिंतन करें और वाणी का ज्ञान हम दूसरों को बताएं। तभी तो हम तारतम्य लेते समय भी क्या कहते हैं, ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। सतवाणी का चिंतन ही समाप्त हो गया। हम रटते हैं, तारतम का पाठ करते हैं, सेवा पूजा करते हैं तो तारतम का दो बार पाठ करते हैं, चिल्ला कहते रहते हैं ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। लेकिन क्या है, ये वाणी का चिंतन हमारे हृदय पटल में होता है, उत्तर मिलेगा बहुत कम होता है। ये घटना बीतक का हर घटनाक्रम हमारे लिए, हम उसको जीवन में उतारें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि देवचंद जी को जब कथा सुनने का समय नहीं मिलता है, जब कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता है तो भोजन बंद कर देते हैं। बुखार है तो भी कथा सुनने जानने आए। वैसे ही हमें नियमित अभ्यास बनाना चाहिए। रात्रि को सोने से पहले एक बार आत्मनिरीक्षण करके हम अवश्य ध्यान करें। प्रातःकाल उठने के पश्चात हम अवश्य राज्य का ध्यान करें। युगल स्वरूप की छवि को दिल में बसाकर आप पूरे दिन कार्य करते रहिए, मैं आपके पास नहीं भटकेगी। अब देवचंद जी उस दिन कथा सुन करके आते हैं, कुछ दिन में शरीर पूरा स्वस्थ हो जाता है और क्योंकि ये परीक्षा में उन्होंने पूरी तरह से दक्षता के साथ उत्तीर्ण की, हम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, हमें संसार के सारे बंधन खींचे रहते हैं। एक बार एक माता जी से हमने पूछा कि आप चितवनी करती हैं? उनका उत्तर था क्या करें, चितवनी के समय में ही फोन आते रहते हैं इसलिए मैं चितवनी छोड़ देता हूँ। बताइए, फोन करने वाले राज्य से ज़्यादा बड़े हो गए, राज्य से ज़्यादा प्रिय हो गए, कितनी बड़ी बात है। पतिदेव का फोन आ गया, सहेलियों का फोन आ गया, पतिदेव भी छूट जाएंगे एक दिन, सहेलियां भी छूट जाएंगी, जाना तो हमारे जीव को है। पुरुष की अर्थी के साथ पत्नी कहाँ तक जाएगी, गली मोहल्ले तक जाएगी, वहीं तक रह जाएगी, कुछ दिन रोग आ लेगी फिर शांत हो जाएगी। माँ कब तक रोएगी, कुछ समय तक रो लेगी। मोहल्ले वाले अर्थी में जो कंधा दे रहे होंगे कहेंगे कि जल्दी जल्दी अर्थी को ले चलो, हमें ऑफिस का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी शमशान तक ले जाया जाएगा, जला दिया जाएगा और सबको अपने काम की धुन लगी है। काम करके क्या लेंगे, धन। मरते समय धन का एक कण भी कोई लेकर नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया भागी जा रही है, ये मेरा काम, ये मेरा काम, मेरी मेरी करित दुनी चाहते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। सबने सारे ब्रह्मांड का बोझ अपने सिर पर ले रखा है, पाँव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न दे। एक पल का भरोसा नहीं है कब शरीर छूट जाएगा, लेकिन दुनिया परमात्मा से प्रेम करना नहीं जानती। दुनिया की स्थिति क्या है, दुनिया की जैसे गोबर का देवता और कौड़ी की आंख, वैसे ही है मल मूत्र का शरीर। ये मिला है केवल परमात्मा को पाने के लिए। यदि परमात्मा को पाने के लिए इस शरीर को नहीं लगाया तो इसको खिला पिला कर हम कितना भी मोटा बना लें, इसको सजा करके क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाकर कितना भी सुंदर बना लें, एक दिन अग्नि की लपटों में ये जल करके राख ही हो जाने वाला है। लेकिन हम सब कुछ करते हुए प्रतिदिन यदि वाणी का चिंतन करते हैं, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा सच्चे हृदय से ध्यान करते हैं, तो हमारा जीव इस भवसागर से पार हो जाएगा और शाश्वत आनंद में विहार करेगा। अब देवचंद जी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, राज्य अब उनके सामने आते हैं। प्रातःकाल का समय है, कृष्ण पक्ष है, रविवार का दिन, देवचंद जी कथा सुन रहे हैं और कांची भट्ट कथा कर रहे हैं। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, वह किशोर किशोरावस्था है और किसने दर्शन दिया, स्वरूप खेला जो वृंदावन, जिस आवेश स्वरूप ने दर्शन, जिस आवेश स्वरूप ने रास की लीला की थी, उसी आवेश स्वरूप ने आकर के परम धाम के श्रृंगार में दर्शन दिया। लेकिन हमारे समाज में इस चौपाई का अर्थ कर दिया जाता है
कि स्वरूप खेला जो वृंदावन, यानी वृंदावन बिहारी ने आकर के दर्शन दिया। ये बात पूर्णतया मिथ्या है। आप देखेंगे वृतांत मुक्तावली में दर्शन देने वाले स्वरूप का जो श्रृंगार वर्णित किया गया है वो परमधाम का श्रृंगार है। सिंदूरिया रंग की पाग है, केसरिया रंग की जार है, श्वेत रंग का जामा है, नीलो पीले रंग का पटका है, आसमानी रंग की पिछौरी है। ये रास का श्रृंगार नहीं है। रास के श्रृंगार में क्या लिखा है? पीटी ऊपर पाए चाने झीड़ी कुरली झलवार झलकार। पीढ़ी के ऊपर पायचा है, पीली पटोली है, जबकि परम धाम के श्रृंगार में नीले न पीले बीज के रंग का पटका है। केसर सिंदूरिया रंग की पाग है, जबकि रास के श्रृंगार में सिंदूरिया रंग की सुथनी है। दोनों के श्रृंगार में अंतर है। रास के श्रृंगार में चोटी गुथी हुई बातों की, वासा ऊपर बेड़ लगती शोभा ते वर्णवी न जाए, खुश बोई माहे रंग भिनो बीड़ी तमूल मुखमाए। परम धाम के श्रृंगार में घुघराले नूरी बाल है। रास में मस्तक मुकुट सुहामणो का वर्णन किया गया है और मूल मिलावे के श्रृंगार में केवल पाक का वर्णन है। इसलिए रास के श्रृंगार में और परम धाम के श्रृंगार में अंतर है। वितक में कहीं नहीं वर्णन है कि रास के श्रृंगार में दर्शन दिया, चौपाई है स्वरूप खेला जो वृंदावन, जिस आवेश स्वरूप ने ब्रज में लीला की थी राज्य के, जिस आवेश स्वरूप ने महाराज में लीला की थी, उसी आवेश स्वरूप ने परम धाम के श्रृंगार में आकर के दर्शन दिया। प्रश्न यह है रास बिहारी क्यों दर्शन देंगे? पिया किए अति प्रसन्न तीन बेर दिए दर्शन। जब राज्य ही सिपाही के भेष में आते हैं, जब राज्य ही ब्रज बिहारी के भेष में आते हैं, तो तीसरी बार रास बिहारी क्यों आएंगे? केवल सुंदर सागर वितक में वर्णित किया गया है कि पहले देवचंद जी को राज्य का परम धाम वाला श्रृंगार नजर आया, कभी कभी उनको रास बिहारी का भी श्रृंगार नजर आता था। श्रृंगार नजर आना अलग बात है, लेकिन श्रृंगार करने वाला कौन है इस पर ध्यान देने की बात है। यदि यह माना जाए कि रास बिहारी ने आकर दर्शन दिया, तो क्या इसके पहले चितवनी में जो दर्शन हुआ था ब्रज बिहारी ने दर्शन दिया, या इसके पहले मोहम्मद साहब ने दर्शन दिया पहली बार सिपाही के वेश में? दर्शन देने वाला ये रूप वैसा था, लेकिन इन रूपों में स्वयं श्री राज्य ही आते रहे। जब रासलीला खेल कर प्रकाश हिंदुस्तानी में पहले प्रकरण से ये चौपाई शुरू होती है, रास खेल के आए घर उम्मीदा न हो या पुरन धाक मन में रही, तब श्यामा जी को धनी है हुकुम ऐसो कियो से। रास खेल कर जब सब सुंदर साथ के साथ राज्य का आवेश परम धाम चला जाता है, तो दर्शन देने के लिए परम धाम से ही तो राज्य का आवेश स्वरूप आएगा। और सच बात तो यह है कि राज्य का स्वरूप कहीं आता जाता नहीं है। हमको खेल दिखावन काज हमसो आगो आए श्री राज। ऐसा नहीं है कि राज्य सभी आत्माओं को छोड़कर परम धाम में बैठे रहते हों और परम धाम से आकर के दर्शन दे देते हों। राज्य के लिए कोई दूरी, समय और दूरी का कोई महत्व नहीं है। दूरी और समय केवल मानव जीवन पर लागू होते हैं, अक्षरातीत के लिए नहीं। राज्य एक पल भी किसी भी ब्रह्मात्मा से न अलग थे, न हैं, न कभी होंगे। वे हर पल श्यामा जी की आत्मा में भी विराजमान है, सब की आत्मा में विराजमान है, लेकिन एक पर्दा पड़ा हुआ होता है। जो उस पर्दे को नहीं हटा पाता वो दीदार नहीं कर पाता। श्यामा जी के धाम हृदय में लीला रूप में अब विराजमान होंगे, लेकिन थे तो पहले भी थे। यदि ऐसा नहीं हो तो प्रश्न यह होता है कि परम धाम से राज्य आकर के बारात के पीछे पीछे देवचंद जी को दर्शन देकर फिर परम धाम चले गए,
जैसे यहाँ कोई पानी बरस रहा था क्या कि राज्य को परम धाम जाने की जरूरत थी। फिर चितवनी में आ गए और अब 40 वर्ष की अवस्था में आ गए, छोड़ छोड़ करके कालमाया में राज्य बार बार परम धाम नहीं जाएंगे। आप बताएं, सागर अपनी लहरों को कब छोड़ता है, सूर्य अपनी किरणों को कब छोड़ता है? हाँ, किरणों को यह एहसास नहीं होता कि सूर्य के वे समीपस्थ हैं। लहरें जब हवा में उछलती हैं तो सोचती हैं कि हम सागर से अलग हो गई हैं। उनको ये पता नहीं कि लहरों का जल सागर में ही अटखेलिया कर रहा होता है। उसी तरह से राज्य कभी भी, चाहे ब्रज की लीला हो, चाहे रास की लीला हो, चाहे जागने की लीला हो, कभी भी किसी ब्रह्मात्मा से अलग नहीं थे, न हैं और न कभी हो सकेंगे। यही तो बोध कराना है, जिसके लिए कहा जाता है हक नजीक सहरक से आड़ो पटन द्वार। जो प्राण की नली से निकट आज कहा जा रहा है, तो क्या देवचंद जी के लिए वो प्राण की नली से निकट नहीं था, या इंद्रावती जी के लिए वो प्राण की नली से निकट नहीं था? आगे आप अभी तक में सुनेंगे, विक्रम संवत 1712 में श्री देवचंद जी का अंतर्धान होता है और उसके पश्चात 1715 में हफ्से में जाते हैं। 6 महीने के विरह के पश्चात उनको राज्य के दर्शन होते हैं और तब उनके धाम हृदय में विराजमान होकर लीला करते हैं। प्रश्न यह है कि 1712 से 15 के बीच में राज्य कहाँ चले गए थे? क्या 3 वर्ष पुनः आराम करने के लिए परमधाम चले जाएंगे और परमधाम से आकर हफ्से में दर्शन देंगे? ऐसा नहीं है। मैंने कई बार चर्चा में दृष्टांत दिया है, जमीन में हीरे मोतियों की तिजोरी भरी पड़ी हो, उसके ऊपर मिट्टी ढक दी जाए, एक झोपड़ी बनाकर कोई भिकमंगा रहता हो, उसको जब तक पता नहीं चलेगा कि इस झोपड़ी के नीचे खुदाई करने पर हीरे जवाहरातों की एक तिजोरी मिलेगी, तब तक वह घर घर जाकर के कटोरा लेकर बेचारा भीख ही मांगता रहेगा। वैसे ही हमारी हालत है, हमको नहीं मालूम है कि हमारी आत्मा के अंदर क्या विराजमान है। हम ही नहीं, संसार के सारे प्राणियों को नहीं मालूम है, क्योंकि हम आँखों से देखते हैं, आँखों से ये संसार दिखता है, हमारा हाथ पैर दिखता है, संसार दिखाता दिखता है। और ये संसार क्या है? तो सपना। जो नहीं है वो दिख रहा है और जो है वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो दिखेगा हमारी आत्मचक्षुओं से। जब तक हमारे आत्मचक्षु खुलेंगे नहीं, तब तो कैसे दिख सकता है? यही भूल संसार से हो रही है। कबीर जी ने बहुत ऊंची बात कही है, एक कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवान, ऐसे घटघट नाम है दुनिया देखे ना। उनके कहने का भाव तो अलग है, हम भी बाहर के संसार को देख रहे हैं। शरीर और संसार से जब संबंध टूट जाएगा, हमारी दृष्टि काल माया योग माया से परे हो जाएगी, तो हमारी आत्मा के धाम हृदय में वो प्रीतम दीदार देता रहता है। पल पल, एक पल के लिए भी यदि राज्य चाहे, वो सर्वशक्तिमान अवश्य हैं, लेकिन वो चाहें कि हम राज्य से अलग हो जाएं, तो उनके भी सामर्थ्य से परे है। अक्षरातीत अपनी आत्माओं को में से किसी को न तो परम धाम से धकेल सकते हैं, न किसी को अलग कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी को अलग नहीं कर सकता, अक्षरातीत भी हमें अपने से अलग नहीं कर सकते। लेकिन जागने लीला में यही सबसे बड़ी हंसी हो रही है कि जो हमारे प्राण की नली से निकट है, वो नजर नहीं आता, तो कहते हैं कि पता नहीं राज्य मिलेंगे ही नहीं, राज्य है ही नहीं, ये राज्य हमको दर्शन ही नहीं देते। राज्य तो पल पल दर्शन दे रहे हैं, पर्दा हमने किया है, पर्दा तू ही करत है अंतर न आड़े लोग। ये पर्दा हमने किया हुआ है, हमारी आंखों पर पर्दा है, हमारे हृदय मंदिर में पर्दा है, अज्ञानता का ऐसा पर्दा है जिसमें हम संसार को देख रहे हैं। अब देवचंद जी के सामने प्रकट होकर राज्य कहते हैं, क्या तुम मुझे पहचाने, तहां आए दीदार दिया, स्वरूप खेला जो वृंदावन। राज्य पूछते हैं कि देवचंद मुझे क्या देख रहे हो, क्या मुझे पहचानते हो? देवचंद जी क्या उत्तर देते हैं, धनी एता हम जानते हैं खावंद हमारे तुम। मुझे इतना केवल पता है, मेरे हृदय से आवाज आ रही है कि आप मेरी आत्मा के प्रीतम हैं, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। राज्य कहते हैं कि तुमने 14 वर्ष जो भागवत सुनी है, इसका क्या फल लिया? आज समाज में एक भ्रांति फैलाई जाती है कि भागवत सुनने से देवचंद जी को दर्शन हुए,
यदि भागवत सुनने से दर्शन हो जाते हैं तो भागवत के लिखने वाले को दर्शन क्यों नहीं हुए? देवचंद जी ने तो 14 साल भागवत सुने, कांजी भट्ट सारी जीवन भागवत सुनाते रहे, उनको कभी भागवत का दर्शन नहीं हुआ, उनको कभी राज्य का दर्शन नहीं हुआ। निस्बत के कारण, मूल संबंध के कारण राज्य ने देवचंद जी को दर्शन दिया, भागवत सुनने के कारण कभी दर्शन नहीं मिला। जब हमारी पात्रता होती है, मूल संबंध होता है, देवचंद जी ने चितवनी किया तो दर्शन मिला, विरह में तड़पे सिपाही तो सिपाही के वेश में दर्शन मिला। अब उनकी निष्ठा की परीक्षा ली गई, उसमें उत्तीर्ण हुए तो मूल संबंध के कारण राज जी ने उन्हें दर्शन दिया। अब देवचंद जी सामने हैं, आपके मन में संशय होगा, जब राज जी प्रकट हुए तो देवचंद जी तो सभा में थे, क्या औरों को दर्शन क्यों नहीं हुए? इसका उत्तर यह है कि ये ब्राह्मी लीला है, राज्य जिसको दर्शन दे रहे हैं केवल उन्हीं को दर्शन होगा। देवचंद जी बोल रहे हैं लेकिन उनके शब्द किसी और को सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि राज्य ने संकेत करके देवचंद जी को अलग बुला लिया हो, ऐसी बात नहीं है। ये लीलाएं ऐसी होती हैं कि जिसको दर्शन देना होता है उसी को दिखाई देगा वह स्वरूप, किसी अन्य को दिखाई नहीं देगा, और दोनों की वार्ता को कोई और सुन नहीं सकता। अब श्री राज जी परमधाम के श्रृंगार में दर्शन देते हैं, श्री देवचंद जी से सारी बातें करते हैं कि देवचंद जी नाम तुम्हारा बाई सुंदर, तुम परमधाम की श्यामा जी हो, तुमने मुझसे माया का खेल मांगा था और ब्रजराज में तुम ही थे, जागनी के ब्रह्मांड में तुम ही आए हो, तुम्हारे साथ परमधाम की सभी आत्माएं हुई हैं। देवचंद जी पूछते हैं कि राज जी कब परमधाम चलेंगे? कहते हैं कि तुम अकेले नहीं चल सकते, सबको जागृत करके लाओ तब तुम्हें परमधाम चलने को मिलेगा, और यह परमधाम का ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। देवचंद जी कहते हैं कि धनी अब कहाँ जाओगे? इसके पश्चात राज जी कहते हैं कि अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हैं, मुझे कहाँ जाना कहाँ है, लीला अब मैं तुम्हारे तन से करूँगा, तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान होऊंगा और तुम्हारे तन से परमधाम की आत्माओं को जागृत करूँगा। देवचंद जी पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आत्माएँ हैं? राज जी कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं तुम्हारे पास भेजूँगा, तुम उनको परमधाम की बातें बताना। अब इसके पश्चात श्री देवचंद जी को दर्शन देने के पश्चात राज जी उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही राज जी विराजमान होते हैं, देवचंद जी को भागवत के एक एक रहस्य स्पष्ट होने लगते हैं, उनकी अंतर्दृष्टि बेहद मंडल को देखने लगती है, वैकुंठ निराकार से परे चली जाती है, बेहद मंडल में देखने लगती है, परम धाम के 25 पक्ष के अंदर भ्रमण करने लगती है, युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा का दर्शन उनको होने लगता है। इसको कहते हैं आत्मा की जागृति। जागने की इस लीला में आप सब सुंदर साथ को भी ये सारा अधिकार है। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी को जिसने आत्मसात कर लिया है, वो हर सुंदर साथ बैठकर छठे दिन की लीला में वह सुख ले सकता है, अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसा सकता है, 25 पक्षों में भ्रमण कर सकता है, अष्टपर की लीला में भ्रमण कर सकता है, और तो और राज्य के दिल में डुबकी लगाकर मारिफत की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इतना सुनहला अवसर राज्य ने हमें दिया है। देवचंद जी को तो इतने कष्ट साध्य साधनाओं के पश्चात ये अवसर प्राप्त हुआ था, आपको तो सरलता से सारा मक्खन दे दिया गया है, फिर भी आप कहते हैं कि क्या करें, अभी हमें खाने की अभी इच्छा नहीं कर रही है, हमारा हाथ अभी थाली पर पहुंच नहीं रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। अब देवचंद जी जैसे ही घर आते हैं तो उनके तन से एक चौपाई उतरती है, निज नाम श्रीकृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। हमारे समाज में ये बहुत विवाद का विषय बन गया है, हम निज नाम श्रीकृष्ण जी कहें या निज नाम श्री जी साहब जी कहें, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। जब देवचंद जी के तन से लीला चल रही है तो अभी पहली वाली लीला की याद कराई जाएगी,
कि ब्रज में मैं श्री कृष्ण नाम से लीला किया हूँ। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर वे सविद वतन सहित, या एक चौपाई का तारतम उत्तरा श्री देवचंद जी के तन से, उनके तन से राजी ने कहा, क्योंकि सबको पहचान देनी है, सबको मार्ग पर ले चलना है। अब सब समय समय पर वाणी उतरती रही तो इसी एक चौपाई को मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा, जो गुमर जी में मूल स्वरूप साहब की जो प्रति है उसमें उसके अनुसार निज नाम श्री कृष्ण जी की जो पहली चौपाई है देवचंद जी के तन से उतरी है। जब श्री जी दीप बंदर में जाते हैं तो उनके तन से चार चौपाइयाँ उतरती हैं, श्री देवचंद जी सत्य सदा ससुकना दातार से लेकर पाँचवीं चौपाई तक, और जब प्रकटवाणी उतरती है तो छठी चौपाई भी उतर गई, और उसके पश्चात से छह चौपाइयों का प्रचलन हो गया। हमारे समाज में पौराणिक मान्यताओं का आश्रय लेकर, पद्म पुराण का आधार लेकर कहा जाता है कि केवल 16 अक्षरों का मंत्र होना चाहिए, इसलिए एक पंक्ति को माना जा रहा है कि निज राम शिखर जी अनादि अक्षरातीत, केवल एक चौपाई एक लाइन उतरी, ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का होता है, वृत्ति छंद और जगति छंद 36 और 48 अक्षरों के होते हैं, इसलिए यह कहना कि मंत्र 16 अक्षरों का होता है वेदों की मान्यता के विपरीत है। अब श्री देवचंद जी को सारी बात समझाने के पश्चात राज्य उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए होते हैं। समय पर यह छह चौपाइयाँ उतरी, सुंदर साध को तारतम के विवाद में न पढ़कर सत्य को ग्रहण करना चाहिए। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मननात मंत्र, मनन करने से वह मंत्र है। मंत्र में ज्ञान निहित होता है। छह चौपाइयाँ हमें मार्गदर्शन करती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है। निराकार के पार जो है वो हमारी आत्मा का प्रीतम है। ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार, हमें ब्रह्मवाणी का चिंतन करना है, और जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। आयु आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार, ब्रह्मवाणी का हम चिंतन करें, युगल स्वरूप की छवि को दिल में बसाएं। जब हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी तो परम धाम का हमें सुख मिलेगा और माया के विकार हमसे दूर हो जाएंगे। ये तारतम की छह चौपाइयों का उद्देश्य है। तारतम ग्रहण करते समय हमें ये छह चौपाइयाँ सुनाई जाती है। जो निज नाम श्रीजीत साहब का विवाद है वो तो मैं समझता हूँ जानबूझकर के पैदा किया जा रहा है। वाणी कहती है, कोई दूजा मरद न कहावी एक मेहती पाकपूरन, इस जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत कौन है। प्रश्न यह है, यदि श्री कृष्ण जी परमात्मा है तो प्राणनाथ जी क्या है? क्या संत हैं, महापुरुष हैं, कवि हैं या आचार्य हैं? एक साथ परमात्मा दो तो नहीं हो सकते। ब्रज में श्री कृष्ण नाम से राज्य लीला करते हैं, रास में उस नाम से लीला करते हैं, तो जागनी ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी के रूप में आए हैं। प्राणनाथ किसको कहते हैं? जो हमारी आत्मा का आधार है। प्राण रूपा प्रिया सर्वा तसाम नाथो अक्षरात पर तेन असौ प्राणनाथ ख्यातः प्रियेश्वर। प्रियाओं का प्रियतम ही प्राणनाथ है, चाहे वो ब्रज में रहा हो, चाहे रास में रहा हो, चाहे इस जागनी के ब्रह्मांड में रहा हो। ब्रज में भी वो आया तो उसको हम प्राणनाथ कहेंगे, तन है श्री कृष्ण का। रास में भी हम उसको प्राणनाथ कहेंगे, कंठ बाहुटी फरे साथ एम रंगे से प्राणनाथ। जागनी के ब्रह्मांड में भी तन है मिहराज का, उसको हम प्राणनाथ कहते हैं। जैसे ब्रज में तन है श्री कृष्ण का, मांगा किया राधा बाई का पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। प्राणनाथ से तात्पर्य हमारी आत्मा का जो आधार है, हमारे जीवन का आधार है, जो हमारा प्राण वल्लभ है, प्राण प्रियतम है, उसी को प्राणनाथ कहते हैं। लेकिन संकीर्णतावश प्राणनाथ को एक आचार्य के रूप में, कवि के रूप में, मध्यकालीन संत के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय संत के रूप में, राष्ट्रीय संत के रूप में आज प्रस्तुत करने की परिपाटी चल पड़ी है। यह वाणी और ये बीतक के सिद्धांतों के मूलतः विपरीत है। नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तिनमें सिरधार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए। 12,000 की जमात के साथ
किलकिला के किनारे अक्षरातीत आते हैं तो उनको क्या कहा जाए? मंत्र में इष्ट का नाम होना चाहिए। प्रश्न यह है कि जागनी ब्रह्मांड में हमारा इष्ट कौन है? जब हम प्राणनाथ निज मूल पति कहते हैं तो तारतम्य में किसका नाम होना चाहिए? इसलिए जिन्होंने तारतम वाणी को समझ लिया कि कोई दूजा मरद न कहा एक मेहदी पाक पूरन खेलसी रास मिल जागनी 36,000 संयन, जो इस जागनी लीला में 36,000 आत्माओं के साथ लीला कर रहा है वही हमारा अक्षरित है, अक्षरातीत है। तो उन्होंने निज नाम श्रीजी साहब कहना शुरू किया। वेद पक्ष में जिसको श्रीजी कहते हैं, कते पक्ष में उसको साहेब जी कहते हैं। उस सारे ब्रह्मांड के स्वामी आए हैं, सबके पूर्ण ब्रह्म आए हैं। प्रकटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। हिंदुओं के लिए वो श्री जी हैं, कते पक्ष वालों के लिए साहेब जी हैं, कोई विवाद नहीं होता। लेकिन हम यदि भागवत पंथी बन जाते हैं तो श्री जी साहब शब्द से ही घृणा करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि श्री जी किसको कहते हैं। लई तारतम अज्वालोसार बली श्री जी आव्या आवार। श्री जी किसको कहते हैं? राज्य को। जो श्री जी देवचंद जी के तन में विराजमान होकर लीला कर रहे थे, अब वही श्री जी वली श्री जी आव्या आवार तारतम ज्ञान का उजाला लेकर पुनः श्री जी दोबारा मिहराज के तन में आ गए। हम मिहराज को श्री जी मान लेते, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। इसलिए समाज को चाहिए कि अपने विवेक दृष्टि को जागृत करें और अपने सभी प्रश्नों का समाधान तारतम वाणी से ले। व्यक्ति विशेष के कथनों पर या स्थान विशेष के कथनों पर चलने पर कहीं ना कहीं भटकाव हो जाता है। यदि हम अपने अंतरात्मा से पूछेंगे ब्रह्मवाणी के अंदर डूबकर, तो इन प्रश्नों का समाधान हो जाएगा कि हमें मूल की तरफ चलना होगा। सन्मंत मूल को मैं तो पावपल छोड़ियो न जाए। हमें मूल स्वरूप अक्षरातीत से अपना संबंध जोड़ना है, जो वही ब्रज में आया, जो रास में आया, लेकिन अब ब्रज रास के तनों में नहीं है, इस जागनी लीला में मिहराज के धाम हृदय में विराजमान होकर महामति की आत्मा को शोभा देकर जो जागनी लीला कर रहा है, जिसको जागनी का सारा उत्तरदायित्व सौंपा है, वह हमारा अक्षरातीत है। इसलिए सुंदर साथ ने ज्ञान के प्रकाश में निज नाम श्री जी साहब करना शुरू कर दिया। रास में प्रकाश गुजराती में, खटती में, कलश गुजराती में और किरंतन में, पांच ग्रंथों में निज नाम से कृष्ण चलेगा। लेकिन शेष अन्य ग्रंथों में जब विक्रम संवत 1735 के पश्चात सुंदर साथ को श्री जी के स्वरूप की पहचान होने लगती है, तब से श्री जी साहब का प्रचलन प्रारंभ हो गया। अब आपने सुना कि किस तरह श्री देवचंद जी के तन में विराजमान होकर के राज जी अब लीला करते हैं, कैसे कैसे जागने लीला प्रारंभ होती है, क्योंकि अब लीला रूप में राज जी देवचंद जी के तन में विराजमान हो गए हैं। विराजमान पहले भी थे लेकिन देवचंद जी की आत्मा को पता नहीं था। हमारे साथ भी यही होता है, हर आत्मा के साथ राज्य जुड़े हुए हैं लेकिन जब तक हमें पता नहीं चलता। ऋषियों ने बहुत लाखों वर्ष पहले यह घोषणा कर रखी है, यह आत्मन तिष्ठत अंतरो यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम। जो आत्मा के अंदर है लेकिन आत्मा जिसको नहीं जानती, ये तो जीव सृष्टि इतनी ऊंची बातें कर रही है। ऋषियों ने कितने ऊंचे स्तर की बात कही है, हम परम धाम के ब्रह्मात्मा होकर हम राज्य को कहाँ खोजते हैं? सबको मालूम है, हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में नहीं खोजते। जरूर हम ढोलक पीट पीट कर गा लेंगे, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है इत आए करो आराम। जब अर्श आपका दिल ही आपका अर्श है तो अपनी आत्मा के धाम हृदय में क्यों नहीं खोजते? और इसके लिए आपको चितवनि का सहारा लेना पड़ेगा, अपने मन की वृत्तियों को शांत करना पड़ेगा, शरीर को स्थिर करना पड़ेगा, हृदय में वीरा समर्पण और श्रद्धा के फूल बिछाने पड़ेंगे। फिर देखिए आपका अक्षरातीत आपसे कितना निकट है, कितना प्रेम करता है, यह तो तब पता चलेगा। अब समय पूरा होता है, चुपाई दूर। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु को
हो गई आतम फजर।